अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज के हमारे पास किस किस तरह के प्रोसेसिंग वेज होते हैं। इससे पहले हमने इसको एक जस्ट टच किया था इस टॉपिक को। लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया, आपके पास जब भी डिजिटल डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हो इन स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स, जिनको आप बिट्स कहते हो, अनलाइक अल्फाबेट्स, तो मॉडर्न जो क्रिप्टो सिस्टम्स हैं उनको इनको प्रोसेस करने के लिए कुछ तरीके चाहिए होते हैं उस बाइनरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए किसी दूसरे बाइनरी स्ट्रिंग में। क्योंकि बेसिकली आप कम्युनिकेशन में यही कर रहे हो कि आप कन्वर्जन कर रहे हो। जब भी आप कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाना चाह रहे हैं तो आप कन्वर्जन कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस द सिस्टमैटिक इंक्रिप्शन स्कीम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज ब्लॉक साइफर्स, जिसमें आप ब्लॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर टू इज स्ट्रीम साइफर, जिसमें आप स्ट्रीम्स की फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द first one, which is what which is a stream cipher. तो स्ट्रीम साइफर क्या होता है? स्ट्रीम साइफर की जो स्कीम है वो आपके प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस करती है बिट बाय बिट एट अ टाइम। मतलब एक बिट आएगी और फिर वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इस तरह से सीरीज ऑफ बिट्स आपके पास आएंगी। फॉर इंस्टेंस, आपके पास वन आया, वो गया ब्लॉक में, उस पर एल्गोरिथम रन हुआ, वो जीरो में कन्वर्ट हो गया, फिर जीरो आया वन के बाद, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ, फिर वो जीरो में ही कन्वर्ट हुआ, फिर वन आया, फिर वो वन में कन्वर्ट हुआ, फिर जीरो आया, फिर वो वन में कन्वर्ट हुआ। तो एक एक करके आपके पास बिट बाय बिट कन्वर्जन होती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस इन इज परफॉर्म्ड इन इट टू जनरेट वन बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट। टिपिकली आप स्ट्रीम साइफर को ब्लॉक साइफर भी कह सकते हैं, मगर एक ऐसा ब्लॉक साइफर जिसका ब्लॉक साइज क्या हो, जिसका ब्लॉक साइज वन बिट हो, राइट। तो लेट मी शो द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्ट्रीम साइफर। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसका स्ट्रीम आया है। ठीक है, आपको बाइट ज्यादा से ज्यादा वो एक वर्ड या ज्यादा से ज्यादा वो एक बाइट हो सकता है। ठीक है, यानी 8 बिट्स हो सकता है और कम से कम 1 बिट। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट्स 1 बिट। अब आप उस पे की अप्लाई करते हैं कुछ किसी एल्गोरिदम पे, और एल्गोरिदम के बाद जब की अप्लाई होती है तो आप इंक्रिप्शन परफॉर्म करके साइफर टेक्स्ट बना लेते हैं। तो जो उसका साइफर टेक्स्ट की जो बाइट होती है उस पे आप फिर वही की अप्लाई करते हैं और वही सूडो कोड लगाते हैं, और उस साइफर टेक्स्ट से आप प्लेन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका इंक्रिप्शन का बॉक्स है और ये डिक्रिप्शन का बॉक्स है। इंक्रिप्शन आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, एल्गोरिदम के साथ की यूज हो रही है, इंक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट मिल रहा है, और डिक्रिप्शन में आपके पास साइफर टेक्स्ट के साथ की यूज हो रही है, उस पर एल्गोरिदम लग रहा है, और डिक्रिप्ट होकर आपका प्लेन टेक्स्ट वो मिल रहा है जो आपका इनपुट था। ठीक है, दिस इज द मेन आइडिया ऑफ स्ट्रीम साइफर। आफ्टर स्ट्रीम साइफर डिस्कसिंग ऑल अबाउट स्ट्रीम साइफर, वी हैव ब्लॉक साइफर। सो ब्लॉक साइफर में आप कैसे काम करते हैं? ब्लॉक साइफर एक ऐसी स्कीम है, एज द नेम डिपिक्स, जिसमें आपका प्लेन टेक्स्ट या आपका जो बाइनरी टेक्स्ट है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में या ग्रुप्स ऑफ बिट्स की फॉर्म में प्रोसीड होता है। तो जो ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट की जो बिट्स होती हैं उसको आप सिलेक्ट करते हो एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन की तरह, और उस पे सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पूरी ब्लॉक पे, ताकि एक ब्लॉक जनरेट हो सके साइफर टेक्स्ट का। इसमें साइफर टेक्स्ट की एक एक करके बिट्स जनरेट नहीं होती, इसमें पूरा एक ब्लॉक जनरेट होता है। और फिर जो नंबर ऑफ बिट्स होती है ना ब्लॉक की, वो आप हमेशा फिक्स रखते हो, या तो 8 बिट्स आप एक वक्त में चेंज कर रहे हो, या 64 कर रहे हो, या 16 कर रहे हो, 32 कर रहे हैं, तो वो फिक्स होता है कि एक वक्त में मेरा जो ब्लॉक है वो किस साइज का होगा। या तो 16 बिट का इनपुट है तो फिर 16 बिट का ही आउटपुट होगा। 64 बिट का आपके पास ब्लॉक आ रहा है तो उसको फिर आप 64 बिट्स ही कन्वर्ट करके देंगे, राइट। सो अ ब्लॉक साइफर टेक्स अ ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट बिट्स एंड जनरेट्स अ ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट बिट्स जनरली ऑफ सेम साइज, एंड द साइज ऑफ ब्लॉक इज फिक्स्ड इन द गिवन स्कीम। द चॉइस ऑफ ब्लॉक साइज डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंक्रिप्शन स्कीम। और जो स्ट्रेंथ होती है साइफर की वो हमेशा डिपेंड करती है की लेंथ। ठीक है, ये और क्लियर होगा जब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि इसमें देखें पूरा एक ब्लॉक आ रहा है प्लेन टेक्स्ट का। पहले ब्लॉक वन आया, वो कन्वर्ट हुआ एक ब्लॉक वन के साइफर टेक्स्ट में, फिर ब्लॉक टू आया, वो ब्लॉक टू के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, देन अब रिसेंट आपके पास ब्लॉक थ्री आया जो कि कन्वर्ट होकर साइफर टेक्स्ट में बन जाएगा ब्लॉक थ्री का। ठीक है, ये बेसिकली वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो इस सर्वर पर लगा हुआ है एक की के साथ, और जो इसको कन्वर्जन कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, राइट। दिस इज अनदर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक साइफर, जिसमें आपके पास बी नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट है इस प्लेन टेक्स्ट में। आपने कोई की अप्लाई करी, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया, और आपके पास आ गया इसका साइफर टेक्स्ट। बिल्कुल उसी तरह ये रिवर्स ऑर्डर में होगा कि इस साइफर टेक्स्ट पे मैं कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करूंगी, एक की इसको बता दूंगी, और ये मुझे रिटर्न में प्लेन टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, और उस प्लेन टेक्स्ट की नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी वो बी होंगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप इंक्रिप्शन भी करेंगे और उसी रिवर्स ऑर्डर में फिर आप डिक्रिप्शन भी परफॉर्म कर रहे होंगे।
Right. So let me just conclude it by performing some comparisons on block cipher and stream cipher. कि जब आप encryption process की बात करते हैं stream cipher और block cipher के, तो stream cipher basically mainly majority of the time 1 bit करा होता है, या कभी कभार ये 1 byte पे भी, यानी 8 bits पे भी काम करता है plain text के. एज फार एज ब्लॉक साइफर इज कंसर्न, तो उसका एक ब्लॉक ज्यादातर 64 या 128 बिट्स का होता है प्लेन टेक्स्ट का, जिसको वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा. डिक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है स्ट्रीम साइफर का, वो भी जैसे इनक्रिप्शन अगर 1 bit या 1 byte की होगी, बिल्कुल उसी तरह डिक्रिप्शन भी या तो 1 bit की होगी या फिर 1 byte की होगी. और ये 1 block डिक्रिप्ट करेगा, वो ब्लॉक 64 bits का भी हो सकता है और 128 bit का भी हो सकता है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कन्फ्यूजन में आप वेगनेस एड करते हो, डिफ्यूजन में आप रेंडमनेस एड करते हो. तो जब आप स्ट्रीम साइफर की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कन्फ्यूजन करें, वेगनेस एड करें. लेकिन जब हम ब्लॉक साइफर की बात करें तो हम कन्फ्यूजन भी अप्लाई करें, वेगनेस भी करें और रिडंडेंसी भी अप्लाई करें. जो टेक्निक्स यूज होती है स्ट्रीम साइफर की, वो सब्स्टिट्यूशन साइफर है. जब अब तक हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स पढ़ी वो सब स्ट्रीम साइफर की कैटेगरी में आती हैं, और जितनी भी ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स हैं वो ब्लॉक साइफर की कैटेगरी में आती हैं. एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, ऑब्वियसली जब आप बिट बाय बिट जल्दी जल्दी बिट बाय बिट ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो जैसे ही आपके पास बिट आ रही है आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसमें टाइम आपके पास कम लग रहा है, तो स्पीड फास्ट है. बट क्योंकि आप ब्लॉक साइफर में पूरा पूरा ब्लॉक कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी इसकी कम है. इट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू स्ट्रीम साइफर. रिडंडेंसी, देयर आर नो चांसेस ऑफ रिडंडेंसी, क्योंकि हम कन्फ्यूजन कर रहे हैं तो हम सिर्फ वेगनेस एड करेंगे. मगर ब्लॉक साइफर में येस ऑब्वियसली जब आप रिडंडेंसी एड कर रहे हो तो इसमें रिडंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें करी आप रिडंडेंसी एड रहे हैं, डिफ्यूजन अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव कोड साइज. जब आप स्ट्रीम साइफर को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको इतनी कोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करना जा रहे हैं ब्लॉक साइफर को, तो यहाँ आपको अच्छा खासा हैवी कोड लिखना पड़ता है. अनदर अल्गोरिदम मोड जो है इसके, ये इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक पे काम करता है, साइफर कोड ब्लॉक चेनिंग पे काम करता है, जो कि अभी तक हमें नहीं पढ़ा. इट इज जस्ट यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड एज एज जस्ट नोइंग द नेम्स. तो और ब्लॉक साइफर जो है साइफर फीडबैक ब्लॉक पे काम करता है, आउटपुट फीडबैक ब्लॉक पे काम करता है. ये वो एल्गोरिदम के मोड्स हैं जो इसमें यूज होते हैं. वन की इज यूज ओनली वन टाइम इसमें. और जब हम ब्लॉक साइफर की बात करते हैं तो एक की आप मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो, एज वी हैव डिस्कस कि इसमें हम रिडंडेंसी भी ऐड करते हैं ना. तो जो कॉन्सेप्ट है रिडंडेंसी का वो यहीं से आया है कि जब आपने कहा कि रिडंडेंसी ऐड हो रही है, तो इट अल्टीमेटली मीन्स कि आप मल्टीपल टाइम्स एक चीज को यूज करें. अच्छा, स्ट्रीम साइफर वाइडली आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ब्लॉक साइफर में आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होते हैं. मेमोरी साइज ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास बिट जैसी आती है वो आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो, तो इतना ज्यादा आपको कैशे में कुछ सेव करना नहीं है. लेकिन यहाँ पे आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर करना है, तो आपको काफी अच्छा खासा मैसेज लार्ज मेमोरी की रिक्वायरमेंट है. द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीम साइफर आज मोनो अल्फाबेटिक साइफर, मोनोफोनिक साइफर, प्लेफेस साइफर, एल साइफर एक्सेट्रा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल ऑफ देम. बट जो ब्लॉक साइफर के एग्जाम्पल्स हैं वो एडवांस इंक्रिप्शन, ये टिपिकल एल्गोरिदम्स हैं जिसमें एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि डेस काफी मशहूर एल्गोरिदम है. ये इसका स्ट्रक्चर, इसका कंप्लीट एल्गोरिदम विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स. बट फॉर नाउ, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज कंपेरिजन्स, this is the end of this particular discussion of processing ways. I hope it is cleared. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.